गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस करेंगे। मैट्रिसेस मैट्रिक्स का प्लूरल होता है, ठीक है भाई। मैथमेटिक्स में बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, ठीक है ना। हमारा जो है वर्क को इजी करने के लिए, शॉर्टकट बनाने के लिए माना जो मैट्रिक्स को मतलब मैथ में यूज किया गया। अब देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है वेरिएबल में, जैसे इस तरह से होती है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड, है ना, इस टाइप से कुछ डी ऐसा, इस तरह की कई होती है इक्वेशन होती है के लिए। इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग मैट्रिसेस का यूज करते हैं, ठीक है। ये मान लो ए वन ए वाई, ये ए टू एक्स है, बी टू वाई है, सी टू जेड इजिकल टू, ये डी वन ये डी टू। इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स का यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैथ में ही मैट्रिक्स का यूज होता है, मैट्रिक्स का बहुत सारे फील्ड में यूज होता है। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाने के लिए मैट्रिक्स का यूज होता है, कोई कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए, ताकि मैथ को उसकी कैलकुलेशन को इजी बनाया जा सके। जैसे फिजिक्स में भी यूज होती है, मैग्निफिकेशन में, रोटेशन में, रिफ्लेक्शन में, ठीक है ना। प्लेन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए माना इन मैट्रिसेस का यूज करते हैं हम लोग। तो देखो, जैसे मैट्रिक्स को समझने से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल से बात करते हैं। सपोज करो कोई के पास 5 बुक्स हैं, है ना, किसी के पास भी 5 बुक्स हैं। मैं उसको इस तरह से लिख दूं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 बुक्स को लिखने का मैंने एक तरीका ढूंढ लिया, ऐसे लिख दूंगा मैं, ठीक है ना भाई। इसको एक इतना डिटेल लिखने की बजाय नंबर ऑफ बुक्स इजिकल टू 5 ये लिखने की बजाय मैं उसको ऐसे लिख दूं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे वर्क को इजी करने के लिए हम लोग ऐसा इस फॉर्म में उसको लिख देते हैं। सपोज करो 5 बुक के साथ साथ कुछ पेन भी हो जाए साथ में, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 5 6। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ बुक्स को रिप्रेजेंट करता है। 6 क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पेन्स को रिप्रेजेंट करता है। इसको मैं इस टाइप से भी तो लिख सकता था ना, 5 6। तो ये क्या है, वही उसी तरह से ये नंबर ऑफ बुक्स है, ये नंबर ऑफ पेन्स है। इसका मतलब क्या है, इस डाटा को लिखने का ये तरीका है इस टाइप से, मैंने जो मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं। अब जैसे मान लीजिए ये तो किसी एक की बात हुई है, तो उसके कई और भी फ्रेंड हो सकते हैं। सपोज करो ये ए था, है ना, ए के पास तो 5 बुक्स हैं और 6 पेन है। कोई बी होगा, सपोज करो 15 बुक हैं, 5 पेन है। सी भी होगा, सपोज करो उसके पास 10 बुक हैं और कुछ भी लिख लो 7 पेन होगी मान। अब इस मैट्रिक्स इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में मुझे लिखना पड़े, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 15 10 और इसको 6 5 7 और इसको ऐसे क्लोज कर दूं मैं, ठीक है। तो इसको तो ये क्या है, ये ए बी सी की नंबर ऑफ बुक्स है, नंबर ऑफ बुक्स, और ये क्या है, नंबर ऑफ पेन्स हैं। ये किसके हैं, ये ए के, ये बी के और ये सी के हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है ना, जो वर्टिकल नंबर्स की लाइन जो बनती है, इसको हम लोग कॉलम बनते हैं, कॉलम बोलते हैं। ये कॉलम फर्स्ट है आपके पास, इसको क्या बोल लेंगे फिर, ये कॉलम सेकंड हो गया, ठीक है ना। कॉलम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, ये सी वन ये सी टू। तो कहोगे ये क्या है, ये रो होती है, ये रो वन ये रो टू ये रो थ्री, ठीक है, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो ये थर्ड रो। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो रो, जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम होते हैं,
ठीक है ना। तो इसी तरह से जैसे मान लो अभी मैंने हमने इसको ऐसे लिखा, हम लोग इसको इस तरह से भी तो लिख सकते थे ना, 5, 15, 10, 6, 5, 7, ठीक है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ बुक्स, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पेंस। ये कौन था, ये ए, ये बी, ये सी, इस तरह से भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मतलब, ठीक है ना। तो माना क्या है, ये नंबर्स को लिखने का एक तरीका है। और दूसरी बात है, ये कोई जरूरी नहीं है ऐसे ही होंगे, वो तीन रो होगी या दो रो होगी, तीन कॉलम होंगे या तीन कॉलम होंगे, दो रो होगी, नहीं, वो किसी भी टाइप से हो सकते। जैसे मान लीजिए मेरी ये मैंने ऐसे लिखा है, ये भी एक मैट्रिक्स हो गई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये सारी की सारी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है, जो अभी लास्ट में लिखी ये भी रेक्टेंगुलर है। अब कहोगे ये तो स्क्वायर टाइप में है, स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल होते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखते हैं, ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, यानी कि वो नंबर हो या फंक्शन हो। तो वर्ड आया ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमने कोई मैट्रिक्स लिखी थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, तो कहते हैं इसका कोई ना कोई ऑर्डर होगा। फिर जैसे ये क्या है, ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2। तो पहले जो हमारे पास रो आती है पहले उसका ऑर्डर आता है। तो इसमें रो कितनी है, 3 है, कॉलम कितने हैं, 2 है। तो इसका मतलब इसका ये ऑर्डर रेक्टेंगुलर है, इसका कोई ना कोई ऑर्डर है। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, 3/2, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा भाई, जो इसका ऑर्डर है वो क्या है, 3/2। तो उससे पता लगता है 3 रो होगी उसमें 2 कॉलम होंगे। एरे, एरे का मतलब क्या है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर को अरेंजमेंट अरेंज करने का तरीका वही मैट्रिक्स है। अभी हमने लिखा पीछे देखा भाई नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ पेंस के बारे में, उनको लिखने का एक तरीका है, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं भाई, उनको किस ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसको इस तरह से लिखा जाएगा, ए आई जे, और इसका वो कोई ना कोई ऑर्डर होगा। दूसरी बात, जो मैट्रिक्स है वो हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको स्मॉल लेटर से कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते। जो एलिमेंट है उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर्स। तो अब कहोगे एलिमेंट क्या है, जो ये नंबर्स और जो फंक्शन होंगे ये एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। द नंबर्स लिख देता हूं, एलिमेंट है, एलिमेंट्स क्या है, नंबर्स और फंक्शंस इज कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है, उनको एलिमेंट कहते हैं हम लोग। अब जैसे मैंने अभी ये लिखा, कोई एक मैट्रिक्स ए है, ये क्या है, एलिमेंट है आई जे, इसका मतलब क्या हुआ, आई का मतलब आइथ रो और जे का मतलब जेथ कॉलम, और उसका ऑर्डर क्या है, एम बाय एन। इसका मतलब क्या है, ये जो ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, ये मैट्रिक्स का नोटेशन है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये मैट्रिक्स को, ठीक है ना। ये जो भी हम लोग अब मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ये जो एलिमेंट होंगे, एलिमेंट जो भी होंगे, या तो वो रियल नंबर होंगे
या फिर फंक्शन होगा कोई ना कोई, ठीक है, रियल नंबर या कोई फंक्शन है जो हम पढ़ेंगे। मतलब जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा a 2 3, तो इसका मतलब है ये एलिमेंट है ना, एलिमेंट है, ये एलिमेंट ऑफ, टू का मतलब पहले रो आता है, ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। माना जैसे मान लीजिए मैंने कोई मैट्रिक्स लिखा है 2 3 का मतलब क्या है, ये a11, ये a12, ये a13, ऐसे रो तो फर्स्ट ही चल रही है, कॉलम चेंज होते, ये फर्स्ट कॉलम था, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, इसी तरह से ए, अब ये सेकंड रो हो गई फर्स्ट फर्स्ट कॉलम, a22 a23 है ना, इस तरह से a31 a32 a33 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाए माना। तो ये वाला एलिमेंट जो है ये वाला एलिमेंट होगा। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, और मैं पूछूं कि भाई मुझे सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड रो में जाऊंगा, ये रो फर्स्ट, ये रो सेकंड, ये कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड, ये कॉलम थर्ड, मुझे पहले तो सेकंड रो में जाना, ये रो है मेरे पास, कौन सा एलिमेंट है सेकंड, नहीं कॉलम कौन सा सेकंड, सेकंड कॉलम में जाऊंगा तो ये मिल गया मेरे पास, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर हमें ये निकालना हो उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपके पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है उनका मल्टीप्लीकेशन ही क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। जैसे सुपोज करो अब अगर हमें इसमें एलिमेंट बताने कितने हैं, इसमें रो कितने हैं, रो कितने हैं 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हमें ये बताना हो कि भाई इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो रो 2 हो गई, कॉलम कितने हैं 3 हो गई, तो 2 3 6, तो इसमें इसीलिए 6 एलिमेंट हो जाए। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होती है जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट और सेम ऑर्डर होता है। दो मैट्रिक्स सुपोज करो हमारे पास एक मैट्रिक्स तो है ए आई जे, और जो दूसरी मैट्रिक्स है मान लीजिए आपके पास बी है, उसको इस तरह से एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है। दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने ये लिया 1 2 3 4, ये दूसरी मैट्रिक्स ली समझो 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, पहले तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल है, ठीक है ना, 2 2 के इक्वल, 4 4 के इक्वल, 3 3 के इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग है ना। लेकिन अगर हमारे पास सपोज करो ऐसे मैट्रिक्स हो अब इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम है ना, 2 by 2 की है, लेकिन इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक करो, ये 1 है ये 2 है, तो इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगी। दोनों चीज चेक करनी है, उनका सेम ऑर्डर होना चाहिए और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सॉरी एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, तो हम उनको कहेंगे भाई वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिर इसको आगे देखते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इन द मैट्रिक्स ए राइट ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स, ये तो देखो कहते हैं फर्स्ट में कहता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है ना, जो फर्स्ट पार्ट है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो क्या बनेगा, देखो
इसमें पहले तो क्या देखें, रो दे, 1 2 3, थ्री है ना, थ्री रो है और कॉलम है 1 2 3 4, फोर कॉलम है, तो इसका ऑर्डर ये बन गया। सेकंड पार्ट में कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपके पास ऑर्डर आया था उसकी मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 आ गए। उसके बाद थर्ड पार्ट में कहते हैं ये एलिमेंट हमने निकालने, जैसे फर्स्ट है A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये हो गई, थर्ड कॉलम में जाएंगे तो ये 19 आ जाएगा। सेकंड कहता है A21 एलिमेंट बताना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये हो गई, फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट 35 आ गया। इसी टाइप से A33 पूछ रहा है, थर्ड पार्ट ये आपका ना थर्ड पार्ट का चला हुआ है ना, तो इसको A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, तो -5 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या पूछ रहा है, A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो 12 आ जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो यह आ जाएगा 5/2, ठीक है ना। इस तरह से हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ हैज 13 एलिमेंट्स। तो दो टाइप के हैं, माना एक 24 एलिमेंट्स हो तब उसका ऑर्डर क्या बनेगा, और 13 हो तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 24 को लेते हैं, 24 कि हम लोग देखो ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आते हैं, नंबर ऑफ रो इंटू में नंबर ऑफ कॉलम करके, तो इसका मतलब ये क्या, या तो ये ऐसे हो सकता है 1 इंटू 24, या क्या हो सकता है 2 इंटू में 12, या क्या हो सकता है 3 इंटू में 8, या हो सकता है 4 इंटू में 6, ठीक है ना, या 6 इंटू में 4, या हो सकता है 8 इंटू में 3, या हो सकता है 12 इंटू में 2, या हो सकता है 24 इंटू में 1। तो इसके सारे पॉसिबल ऑर्डर आ गए भाई, माना वो नंबर सेलेक्ट करने हमें जिनका मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट 24 है, तो वो उसका ऑर्डर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पॉसिबल ऑर्डर इज 1 2 इंटू 24, माना ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है ना, ये सारे के सारे एलिमेंट यूं के यूं एज इट इज आपके पास सारे लिख देने हैं आपने, और लास्ट ऑर्डर ये हो जाएगा उसका। इसी तरह से कहता है अगर 13 एलिमेंट होते तो उसका ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 13 एलिमेंट्स इज, या तो क्या होगा 1 इंटू 13, या 13 इंटू 1, ये उसका पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। सेम उसी की टाइप का है, 19 देखो प्रोडक्ट किस किस का आएगा, 1 इंटू 18, और 2 इंटू में 9, और 3 इंटू में 6, और इसके बाद आ जाएगा इसके उल्टा भी लिख लेंगे ना, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2, और 18 इंटू 1, ठीक है ना, तो ये इसका पॉसिबल ऑर्डर। और 5 एलिमेंट्स हो तो तब ऑर्डर क्या बनेगा, उसी टाइप 13 की तरह है, 1 इंटू 5, और 5 इंटू 1, ये उसका पॉसिबल ऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है व्हिच एलिमेंट आर गिवन बाय। अब ये 2x2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स बनानी है हमें, स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है ना, तो उसके जो एलिमेंट ऐसे गिवन होंगे, तो इसका मतलब क्या है, देखो 2x2 ऑर्डर के, तो इसका मतलब A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 चाहिए, और एक A22 चाहिएगा हमें, है ना। तो इसका जो फर्स्ट फर्स्ट पार्ट है
ए आई जे इजिकल टू आई प्लस में जे डिवाइड बाई टू, इसका स्क्वायर है भाई, है ना। तो पहले क्या निकालें, ए वन वन इस फार्मूले में रख देंगे, वन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू, तो टू हो गया, टू का स्क्वायर फोर, फोर बाई टू तो टू आ गया। इसी तरह से फिर क्या निकालेंगे, ए वन टू, है ना, ए वन टू निकालने के लिए वन प्लस में टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू, तो नाइन बाई टू हो गया। फिर क्या निकाल लेंगे, ए टू वन, ठीक है ना, ए टू वन, तो ये भी वही सेम आएगा, टू प्लस वन हो गया बस उसकी बजाय, डिवाइड बाई टू, तो ये भी कितना आ गया, नाइन बाई टू आ गया। फिर क्या रह गया, ए टू टू रह गया, ए टू टू मतलब टू प्लस में टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू, टू प्लस फोर हो गया, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, सिक्सटीन बाई टू एट आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स आ गया अपने पास, ए ए मैट्रिक्स क्या आ गया अपने पास, फर्स्ट एलिमेंट आया है टू, ये नाइन बाई टू, ये भी नाइन बाई टू, और ये आपके पास एट, तो मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। अब देखो सेकंड है, सेकंड पार्ट जो है आपके पास, सेकंड पार्ट में क्या है, अब जो ए आई जे आई डिवाइड बाय जे है, उसके जो एलिमेंट है आई को जे से डिवाइड करके आएंगे। अब देखो ए वन वन निकालना है, तो वन बाय वन मीन्स वन, ए वन टू निकालना है तो वन बाय टू, ए टू वन निकालना है तो टू बाय वन मीन्स टू, ए टू टू निकालना है टू बाय टू मीन्स वन। तो मैट्रिक्स क्या बन गया आपके पास, फर्स्ट एलिमेंट आया वन, सेकंड वन बाय टू, ये टू और ये वन, ठीक है ना। थर्ड पार्ट जो इसका है, थर्ड पार्ट ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस में टू जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू, ठीक है ना। तो ए वन वन निकाल लेंगे, तो यहां देखो यहां रखेंगे तो वन प्लस में टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, वन प्लस टू थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन बाय टू आ गया आपके पास फर्स्ट एलिमेंट। ए फिर क्या है, ए वन टू, अब देखो ये वन, ये टू टू जा फोर, फोर प्लस वन फाइव, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव बाय टू हो जाएगा। फिर क्या निकालना, ए टू वन, ए टू वन में क्या है, यहाँ टू यहाँ वन, तो टू प्लस टू फोर का स्क्वायर बाय टू, फोर सिक्सटीन बाय टू एट आ जाएगा। ए टू टू अब क्या करेंगे, टू प्लस में टू टू जा फोर, सिक्स सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स बाय टू एट्टीन है। तो मैट्रिक्स क्या आ गया आपके पास, तो मैट्रिक्स बन गई फर्स्ट एलिमेंट नाइन बाय टू, ट्वेंटी फाइव बाई टू और एट और एट्टीन, इस तरह से आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव में कहता है कंस्ट्रक्ट उसी टाइप से, अब मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो गया, थ्री बाय फोर हो गया अब, है ना, इस ऑर्डर की बनानी है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस, ठीक है। तो जो हम लोग मैट्रिक्स लेंगे ए आई जे, ये उसके एलिमेंट है, ये ही लेट कर लेते मान लीजिए, जो ये इस टाइप से गिवन होंगे। मतलब तो देखो हमें मैट्रिक्स कैसी चाहिए, तो तीन, थ्री तो रो होगी, फोर कॉलम होंगे, तो ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन फोर, ये तो रो हैं, रो तो कितनी बननी, तीन, ये कॉलम हो गया। अब कॉलम चार बनाने हैं, ये तो रो होगी, ये कॉलम हो गए, कॉलम तो चार हो गए, रो बनानी है तीन, तो ये सेकंड रो, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए टू फोर। फिर यहाँ क्या आ जाए, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ए थ्री फोर, ये एलिमेंट चाहिए हमें, तो इसमें रख लेंगे फिर। तो देखो फर्स्ट पार्ट जो आपका है, ए वन वन निकाल लेंगे, यहाँ क्या लिखा है, वन बाय टू मॉडुलस माइनस थ्री वन प्लस में जे वो भी वन। तो देखो वन बाय टू माइनस थ्री प्लस वन, माइनस का टू मॉडुलस है तो प्लस टू हो जाएगा, ये कैंसिल किया वन आ गया आपके पास। इसी तरह से ए वन टू निकाल लेंगे, ए वन टू वन बाय टू, देखो इसमें रखेंगे
वन टू चाहिए ना हमें, ए वन टू चाहिए, तो माइनस थ्री इंटू वन, माइनस थ्री प्लस में टू, माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन, माइनस वन का मॉडुलस तो वन ही आ जाएगा ना, माइनस वन आएगा ना ये, तो वन बाय टू इंटू वन, तो कितना आ गया, वन बाय टू आ गया। अब इसी तरह से क्या चाहिए, ए वन थ्री चाहिए, ए वन थ्री, ए वन थ्री इसमें फिर पुट करेंगे, माइनस वन बाय टू माइनस थ्री इंटू वन प्लस में जे की जगह थ्री है, तो ये जीरो हो गया। ए फिर क्या चाहिए, ए वन फोर चाहिए हमें, ए वन फोर है ना, ए वन फोर निकालने फिर रखते हैं, वन बाय टू माइनस थ्री इंटू वन प्लस में फोर, तो कितना हो गया, प्लस का वन आ गया, तो वन बाय टू आ जाएगा। इसी तरह से ए टू वन निकालेंगे, अब वन बाय टू माइनस थ्री इंटू, अब टू आ जाएगा, यहां जो उसका जे है वो वन ही चलेगा क्योंकि सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वन हो जाएगा मतलब इसमें ना। तो ये बना आपके पास थ्री टू जा सिक्स, माइनस सिक्स प्लस वन माइनस फाइव, तो क्या आ जाएगा, फाइव बाई टू ए टू टू, तो ये हो जाएगा वन बाई टू माइनस थ्री इंटू में टू प्लस में टू हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स प्लस टू, तो माइनस फोर डिवाइड बाई टू, तो ये प्लस का टू हो जाएगा। इसी तरह से ए टू थ्री निकाल लेंगे, ए टू थ्री, तो वन बाय टू माइनस थ्री इंटू टू प्लस में थ्री, तो कितना आ गया, प्लस थ्री, तो थ्री बाय टू आ गया। ए टू फोर निकाल लेंगे, वन बाय टू माइनस थ्री इंटू टू प्लस में फोर, तो थ्री टू जा माइनस टू बाय टू वन आ गया। क्या रह गया, ए थ्री वन, ए थ्री वन निकालेंगे, तो वन बाय टू माइनस थ्री इंटू थ्री प्लस वन नाइन, माइनस का एट बाय टू फोर, ए थ्री टू, तो वन बाय टू माइनस थ्री इंटू थ्री प्लस में टू, नाइन बाय टू सेवन बाय टू हो जाएगा, नाइन प्लस में टू है तो सेवन बाय टू, और ए थ्री थ्री वन बाय टू माइनस थ्री इंटू थ्री प्लस में थ्री, नाइन सिक्स बाय टू थ्री आ जाएगा, और ए थ्री फोर, तो ये बन गया आपके पास वन बाय टू माइनस थ्री इंटू में थ्री प्लस में फोर, तो नाइन माइनस नाइन प्लस फोर फाइव, फाइव बाय टू हो जाएगा। तो मैट्रिक्स आपके पास सपोज करो ए थी, तो मैट्रिक्स क्या बन गई, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट आया आपके पास वन वन बाय टू, वन वन बाय टू, फिर जीरो, और फिर क्या वन बाय टू, और सेकंड रो में ये वन बाय टू हमने लिख चुके हैं ना, तो यहां से लिखेंगे फाइव बाय टू, टू थ्री बाय टू, वन, और फिर लास्ट रो है फोर सेवन बाय टू और थ्री और फाइव बाय टू, ये मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास। इसी तरह से आपका सेकंड पार्ट होगा, इसका जो सेकंड है ना एलिमेंट निकलेंगे और उसमें रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें पता है देखो भाई दो मैट्रिसेज इक्वल कब होती है, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट और ऑर्डर सेम होता है, ऑर्डर तो इन दोनों का सेम है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, टू मैट्रिसेज आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स क्या हुआ वन हो गया, वाई क्या हो गया फोर हो गया, जेड क्या हो गया थ्री हो गया। इस तरह से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स,
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स होगा और फाइव प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव होगा और यहां से जेड निकाल लो पहले, फाइव उधर जाके जीरो आ गया जेड तो। अच्छा एक्स वाई इज इक्वल टू एट है, एक्स वाई इज इक्वल टू एट हो गया। अब क्या करेंगे, जेड आ चुका है हमारे पास तो हमें सिर्फ एक्स वाई रह गए निकालने, तो यहां से एक्स निकाल लो या वाई निकाल लो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लो, इसको सेकंड कर लो। तो फ्रॉम फर्स्ट है ना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से वाई निकाल लिया तो ये क्या बन गया, सिक्स माइनस में एक्स बन गया आपके पास है ना, सिक्स माइनस एक्स। सब्स्टिट्यूट इन सेकंड, सेकंड में रख दो भाई, क्या है सेकंड, एक्स वाई, एक्स वाई, वाई कीजिए क्या रखना है, सिक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एट। तो इसको सिंप्लीफाई किया, सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एट, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस हो गया उधर जाके, सिक्स एक्स माइनस एट प्लस का था ही। तो इसके फैक्टर बना लेंगे, तो इसके फैक्टर बन गए आपके पास, तो एट चाहिए तो फोर और टू बन गए इसके फैक्टर, प्लस में एट इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज एक्स कॉमन ले लो एक्स माइनस फोर, माइनस टू कॉमन ले लो एक्स माइनस फोर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो आपके पास आ जाएगी भाई, डायरेक्ट लिखते ना एक बार टू और एक बार फोर, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। तो वाई की वैल्यू भी फिर दो होगी, देन वाई, वाई क्या होगा, वाई क्या था, सिक्स माइनस एक्स, जब हम लोग एक्स को टू लेंगे तो वाई क्या होगा, फोर, जब हम लोग एक्स को फोर लेंगे तो वाई क्या होगा, टू है। तो एक्स क्या आया आपके पास, टू और फोर, वाई क्या आ गया, फोर और टू, और जेड क्या आ गया आपके पास, जेड हमने शुरू में ही निकाला वो जीरो हो गया, ठीक है ना। इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में कहता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू नाइन हो जाएगा, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेंगे जब, और देखो लिख देते इसको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू नाइन इक्वेशन फर्स्ट, और एक्स प्लस जेड इजिकल टू फाइव ये सेकेंड, और y प्लस में z वो हो गया आपके पास सेवन है ना, यहां से हमने इक्वेट कर लिया भाई। अब देखो y प्लस जो z है यहां सब्टीट्यूट कर देंगे फर्स्ट में, तो देखो क्या बना, x प्लस में यहां सेवन सब्टीट्यूट कर देंगे इज इक्वल टू नाइन, दिस इंप्लाइज x कितना आ गया, तो आपके पास टू आ जाएगा, ठीक है ना। यहां रख लो सेकेंड में x की वैल्यू, सेकंड इक्वेशन में रख दो, x कितना आया, 2 आया, तो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव, तो दिस इम्प्लाई जेड कितना आ गया, 3 आ गया आपके पास। y रह गया, तो क्या करेंगे, इसमें रख देंगे y प्लस में जेड, जेड कितना आया, 3 आया इज इक्वल टू सेवन, दिस इम्प्लाइज तो y कितना आ गया, 4, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवन में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन, तो उसी तरह से सेम इक्वेट कर लो, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन इक्वेशन फर्स्ट कर लो, और टू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन सेकंड कर लो, इसी तरह से इनको इक्वेट कर लो, टू ए प्लस में सी इज इक्वल टू फाइव इक्वेशन नंबर थर्ड कर लो, और 3c प्लस में d इज इक्वल टू 13 इक्वेशन नंबर फोर कर लो। पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं ना, वन और टू को देखो सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, और सेकंड क्या है, टू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, और ये कैंसिल हो गया, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस वन, दिस इम्प्लाइज ए आ गया आपके पास वन, तो बी क्या आया, किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहां रख लो ए तो आपके पास, तो बी निकालने के लिए ना, बी क्या होगा, तो बी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी ए माइनस बी है ना, इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन इसमें रख लो, ए क्या आया वन, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन,
तो माइनस बी इजिकल टू माइनस टू, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी आ गया आपके पास टू आ गया, ए आ गया वन, बी आ गया टू, सी डी रह गई हैं। तो इसको इक्वेट किया था, इक्वेशन नंबर थर्ड में रख लो ए की वैल्यू, क्या है थर्ड इक्वेशन, टू ए प्लस सी इजिकल टू फाइव, ए की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है वन इजिकल टू फाइव, तो ये टू हो गया, टू उधर जाके माइनस, तो थ्री आ गया, सी की वैल्यू आ गई। डी निकालना है, इस इक्वेशन में रख दो थ्री सी प्लस में डी इजिकल टू थर्टीन है, तो सी कितना आया थ्री आ गया प्लस में डी इजिकल टू थर्टीन, तो दिस इंप्लाइज, तो डी क्या आ गया थ्री थ्री जै नाइन, तो क्या आ गया फोर आ गया, ए की वैल्यू वन आ गई, बी की टू आ गई, सी की थ्री आ गई और डी की फोर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट में कहता है ये कोई स्क्वेयर मैट्रिक्स हो है, इफ इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स, इफ ये कोई मैट्रिक्स आपके पास, ये स्क्वेयर मैट्रिक्स कब होती है, जब इसके रो और कॉलम इक्वल हो जाते हैं, इसके रो और कॉलम कितने एम और एन, तो इसका मतलब वो जब इक्वल होंगे तभी वो स्क्वेयर मैट्रिक्स है, तो ये हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन में कहता है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, ये दो मैट्रिक्स गिवन है ये इक्वल कब होगी हमें ऑप्शन बताना है, तो क्या करेंगे 3x प्लस में 7 इजिकल टू क्या होगा, इक्वल करनी है तो 0, दिस इंप्लाइज x इजिकल टू क्या आ गया माइनस का 7/3, y माइनस टू इजिकल टू, y माइनस टू इजिकल टू 5 के इक्वल, दिस इंप्लाइज y कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है ना, और इसी तरह से यहां से निकालो y प्लस 1 इजिकल टू 8 और दिस इंप्लाइज y कितना आ गया 7 आ गया, इसी तरह से इसको इक्वेट करो 2 माइनस 3 एक्स इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज x 4 माइनस 2 माइनस 2, तो ये बनेगा 2/3, देखो x की वैल्यू यहां तो क्या है माइनस 3/2 माइनस 7/3 और यहां x की वैल्यू क्या है 2/3, इसका मतलब x की दो वैल्यू कैसे पॉसिबल है, तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल टू फाइंड। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1, अब देखो क्या कहते हैं 3/3 ऑर्डर की है, मतलब 3/3 ऑर्डर की है, तो इसमें 3/3 ऑर्डर की है तो इसका मतलब एलिमेंट कितने होंगे 9 होंगे, अब 9 होंगे तो देखो टू पॉसिबिलिटीज यहां है, टू यहां है, टू यहां है, हर प्लेस पे फिलअप करने के दो दो चांस हैं, टोटल प्लेस कितने हैं 9 और एक प्लेस की पॉसिबिलिटी क्या है 2, तो 2 की पावर 9, तो इसका मतलब 512 आ जाए, तो ऑप्शन जो आपका डी है इज द करेक्ट ऑप्शन आ जाए, ठीक है।